हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको बैंकिंग, फाइनेंस और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बैंक प्राइवेटाइजेशन या फिर बैंक मर्जिंग को लेके। जैसे कि सरकार ने इस साल घोषणा की थी कि 2021-22 में जो है आपको दो बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट किया जाएगा। उसके बाद से ये काम नीति आयोग को सौंप दिया गया था और इस क्राइटेरिया की लिस्ट में जो बैंक के नाम थे वो थे आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया। इतने सारे बैंक जो थे ये सारे प्राइवेट लिस्ट में शामिल थे। उसके बाद नीति आयोग ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। उसके बाद जो है एक न्यूज़ निकल के आई थी कि आपको 22 अप्रैल को एक मीटिंग होने वाली थी मर्जिंग को लेकर। जैसे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये 22 अप्रैल के मीटिंग का ये लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें जो है आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का यहाँ पे नाम कहीं नहीं है। उसके बाद हम बात करते, फिर उसके बाद जो है नीति आयोग ने जो अपना सारा काम अब करके उसके बाद सरकार को यहाँ पे नाम सौंप दिया उस बैंक को प्राइवेट करने के लिए। जैसे हम लोग को न्यूज़ और कुछ रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे हम लोग को पता चला। उसके बाद फिर एक न्यूज़ निकल के आई है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 30 जून को एक मीटिंग होने वाली है बैंक मर्जिंग को लेके। जैसे यहाँ पर बैंक मर्जिंग या फिर बोलिए बैंक प्राइवेट को लेके 30 जून को मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस सर्कुलर को पढ़ सकते हैं कि ये फर्जी है या फिर सही है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि एग्जामिनेशन ऑफ रेगुलेशन फ्रेम बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड बैंक ऑफ इंडिया। पिछला जो 22 को मीटिंग होने वाला था उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम नहीं था, लेकिन जैसे नीति आयोग ने नाम सौंपा तो उसमें भी आप देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम यहाँ पे इसमें आ गया है। और सेक्शन 19 ऑफ द बैंकिंग एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970। अब इस मीटिंग में जो है ये डिस्कशन किया जाएगा कि बैंक को प्राइवेट किया जाए या फिर मर्जिंग किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बर्डन होने वाले हैं। यही डिस्कशन यहाँ पे जो है आपको 30 जून को यहाँ पे किया जाएगा बैंक मर्जिंग को लेके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन का। इतना रास्ता आसान नहीं है क्योंकि इसमें बहुत आपको ब्रेकर आएंगे, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें जो आपको बैंक प्राइवेट करने में आपको यहाँ पे इन्वेस्टर चाहिए जो आपके बैंक को खरीदे, उसमें पैसा इन्वेस्ट करे। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक्ट जो है 1970 में आपको जो बैंक का जो संविधान होता है उसमें भी आपको यहाँ पर चेंजिंग करनी पड़ेगी, और वो जो है पार्लियामेंट से आपको वहाँ पर होगा। उसके लिए अपोजिशन का भी सपोर्ट होना चाहिए। बिना अपोजिशन के सपोर्ट का यहाँ पर जो है बैंक जो है यहाँ पर प्राइवेट नहीं हो पाएगा और यहाँ पे बहुत सारे मुश्किल होंगे। ये तो आने वाले टाइम में ही पता चला कि सरकार यहाँ पे बैंक को प्राइवेट करती है या फिर मर्जिंग करती है, लेकिन हम लोग चाहें कि बैंक को यहाँ पे प्राइवेट ना किया जाए। हम लोग यहाँ पे चाहें कि बैंक को यहाँ पे मर्ज किया जाए और यहाँ पे एम्प्लॉय भी खुश रहे और यहाँ पे कस्टमर भी खुश रहे। तो आशा करते ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिंग लगा होगा और ये आने वाले टाइम में ही पता चला कि आपका जो ये बैंक प्राइवेट होगा या फिर मर्जिंग होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नेट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।